Hey guys, आज के वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब दूंगी जो बहुत सारे नए पेरेंट्स को मिलते हैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही रिलीज कर दिया है, नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लीजिए, आपके कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। आज के वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी काफी प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन है कि 24 आवर्स के लिए बच्चे को स्वेटर करना चाहिए, इससे बच्चे को फायदा होता है या नुकसान होता है, क्या क्यों करते हैं जानते हैं। पहला चीज कंपलसरी नहीं है आपको है ना 24 आवर्स के लिए बच्चे को स्वेटर करना, वो है ना हर बच्चा अलग होता है। किसी बच्चे को स्वेटर करने पे एकदम वार्मनेस सिक्योरिटी फील होती है और वो उसमें रहता है। कोई कोई बच्चा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर सारे हाथ पैर निकाल के वो अच्छे तरीके से सोता है। आइडियल टाइम चलिए जानते हैं अगर आपको स्वेटर करना है तो, जब बच्चा लॉन्ग स्लीप के लिए जा रहा है ना तब आप स्वेटर करोगे तो बच्चे के लिए फायदेमंद है क्योंकि उस टाइम में वो अच्छी तरीके से कंफर्टेबल तरीके से सो सकता है। लॉन्ग स्लीप मतलब कब, जी पहला जब आप ना मालिश करके नहला देते हो ना तब बच्चा 3 से 4 घंटा सोता है। अगर आप उस टाइम पे स्वेटर करोगे ना तो बच्चा कंफर्टेबल तरीके से सोएगा। और रात को जब बच्चा को अच्छी तरीके से मालिश करके स्पॉन्ज दे दिया है, फिर उसके बाद उसके कपड़े चेंज करके रात के रूटीन का फॉलो कर रहे हो, उस टाइम पे स्वेटर करोगे ना तो बच्चा 3 से 4 घंटा अच्छे से सोएगा और माँ को भी 3 से 4 घंटे की नींद मिलेगी प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा आपके बच्चे के ऊपर है, उसको स्वेटर पसंद है तो कीजिए, नहीं पसंद है तो ऐसे भी रहने दीजिए, कोई हाथ आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप स्वेटर नहीं करोगे तो बच्चे के हाथ आड़े टेढ़े हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, टेढ़ा हो जाएगा, मेढ़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक बिना स्वेटर किए भी बच्चे भी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो मम्मी के लोग के दिमाग में आता है, जो प्रॉब्लम वो फेस करती है कि ब्रेस्ट में पेन होना। अगर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अगर आपका बच्चा शुरुआती दिनों में मतलब कि 1-2 महीने का ही है या फिर 12 दिन का है, उस टाइम पे पेन हो रहा है तो फिर वो पेन इस वजह से होता है कि आपका जो ब्रेस्ट है वो फुल हो गया है दूध से और आपका बच्चा जो है सो रहा है और उस टाइम पे वो दूध नहीं पी पा रहा है, तो उस वजह से वो भरने की वजह से पेन हो रहा है। अगर ऐसा पेन है तो फिर आपको क्या करना है, एक हाथ में ना हॉट कपड़ा लेना, एक हाथ में ठंडा कपड़ा लेना है, पहले अपने ब्रेस्ट पे इस तरह से रखना है और 3 मिनट तक वेट करना है, फिर उसके बाद वो दोनों कपड़े चेंज कर दे अपने ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से करना है। तो इससे क्या होगा कि जो दूध है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगेगा और आपका जो पेन है वो कम फील होगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा दिनों का बड़ा है या फिर प्लस आपको उन दिनों में जो 1-2 महीने में आप देख रहे हैं कि आपके ब्रेस्ट में यहाँ पर यहाँ 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 पे गांठें हो गई है या मतलब लम्स जैसा फील हो रहा है या फिर आपको निपल्स में क्रैक दिख रहा है, खून आ रहा है, सूजन हो गई है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है। वो सही तरीके से आपको गाइड करेंगे क्या मेडिसिन देना चाहिए और वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर वो सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ दूध भरने की वजह से है, तो फिर आप है ना क्या कर सकते हो, उसको सेक दे सकते हो इस तरह से, हॉट एंड कोल्ड सेक। के अलावा घर वाले बोलते हैं कि है ना ब्रेस्ट को एकदम अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारा दूध निकाल दो तो इस वजह से ब्रेस्ट नहीं दुखेगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सेसिव दूध है जो आपका बच्चा पी नहीं रहा है। अगर आप है ना वैसा करोगे तो दिमाग को लगेगा कि आपके बच्चे ने दूध पी लिया, ब्रेस्ट पूरा खाली हो चुका है, फिर से दूध बना, तो इससे और फिर जल्दी जल्दी आपका जो ब्रेस्ट है वो भरने लगेगा। आप क्या करना है इसके अलावा, हॉट एंड कोल्ड जो मैंने बताया है उसका सेक लेने के अलावा आपको दूसरा चीज करना है तो एक पत्ता गोभी लीजिए, उसका 2 बड़ा वाला जो पत्ते है ना वो निकाल कर डीप फ्रीजर में रख दे। 10-15 मिनट के बाद वो जो एकदम ठंडा हो जाए ना तो अपने ब्रा के अंदर डालिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको है ना बहुत अच्छा फील होगा, दर्द में भी रिलीफ फील होगा। अगर आप इसके अलावा आपको ना प्रिपरेटरी ब्रा पहने क्योंकि है ना एकदम हैवी जो ब्रेस्ट है वो ग्रेविटी की वजह से वो लटकता है और वो लटकने की वजह से आपको ना वहाँ पर पेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन जो मदर्स के मन में आता है कि
मसाज जो है अगर बच्चा नहीं पसंद कर रहा है तो फिर कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। अगर आपका बच्चा ना मसाज करने के बाद बहुत ज़्यादा रो रहा है तो फिर कुछ दिनों के लिए मसाज करना बंद कर दीजिए और ना सिर्फ टैपिंग या फिर स्ट्रेचेस पे फोकस कीजिए या फिर अपना जो मसाज का टाइमिंग वो चेंज करके देखें कि बच्चा इंजॉय कर रहा है कि नहीं। और रगड़ रगड़ के मसाज करना इज नॉट गुड ना, अच्छे से ना सारे प्रेशर पॉइंट दबने चाहिए वैसे मसाज कीजिए। मैंने मसाज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो उसमें जाकर देख सकते हैं। नंबर 4, बच्चा है ना सेम टाइम पे हमेशा रोता है, क्या करना चाहिए? फ्रेंड अगर बच्चा सेम टाइम पे रोता है ना तो उस टाइम पे उसको ना कुछ अलग बोर्डम फील हो रहा है, कुछ अलग नया चीज़ें एक्सप्लोर करना है तो फिर एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। जब बच्चा अगर रोने लग रहा है तो उसे बाहर लेके जाइए, ये नई चीज़ें उसके साथ एक्सपीरियंस कीजिए तो चाहते बच्चा रोना कम कर देगा। अगर बच्चा अलग अलग टाइम पे रो रहा है तो फिर आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चा क्यों रो रहा है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना बच्चा नींद के वजह से भी रोता है तो फिर उस टाइम पे क्या कीजिए कि उसे शांत कराइए और थकी दीजिए। या फिर बच्चा कभी कभी क्या होता है कि मम्मी के लिए रोता है, क्या होता है कि मम्मी की याद आती होती तो रोता है, तो मम्मी के गोदी में आग ले ले और पूरा अच्छे से उसको प्यार कीजिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर चेक कीजिए उसे भूख तो नहीं लगी है या फिर उसे शीशी या पॉटी नहीं कर दिया है, वो भी चेक कर लीजिए। ये सारे चीज़ों के लिए रोता है। फ्रेंड्स बेसिकली ना बच्चे के पास है क्या अपने एक्सप्रेशन जहाँ दिखाने के लिए, रोना ही तो है। वो रो के हर चीज़ आपको बोलता है कि मेरे को ये चीज़ हो रही है, क्या करूँ क्या करूँ, तो वो आपको बुलाता है इस तरह से। पे आप एक और चीज कर सकते हैं, बच्चे को जेंटल मसाज दे दीजिए ताकि उससे ना बच्चे को आराम मिले और वो नींद में आ जाए। या फिर उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, गैस की वजह से पेट दुख रहा है तो रो रहा है, तो फिर वो सारे चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नंबर 5, अगर बच्चे को ग्रीन पॉटी हो रही है तो क्या ये नॉर्मल है? फ्रेंड्स ग्रीन पॉटी होना नॉर्मल है क्योंकि जो बाइल जूस होता है ना वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, जिसके वजह से वो सफ़ेद दूध से मिलके वो है ना येलो पॉटी बनता है या फिर कभी कभी ग्रीन पॉटी होता है। ये कभी कभी हो रहा है तो वो नॉर्मल है, होता ही है। या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तब ये ग्रीन पॉटी हो सकती है। कब आपको घबराना चाहिए? जब ग्रीन पॉटी 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है या फिर 1 हफ्ते से कंटिन्यू हो रहा है तभी आपको ना बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तब वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। पर जब 1-2 बार अगर बच्चा कर रहा है तो फिर ठीक है। अगर दिन में 4 बार पॉटी कर रहा है तो उसमें से 2 बार अगर उसको ग्रीन पॉटी हो रही है बहुत टाइम के बाद तो फिर वो नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नंबर 6, मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडेड है और दिन में बहुत बार पॉटी कर रहा है, थोड़े थोड़े देर में पॉटी कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये नॉर्मल है या नहीं? फ्रेंड्स ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ब्रेस्ट फीडेड बच्चा दिन में 8 बार पॉटी कर रहा तो भी नॉर्मल है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जल्दी हजम हो जाती है और जो जल्दी हजम होने की वजह से पेट जल्दी खाली हो जाता है, इसलिए पॉटी हो जाती है और डाइजेस्ट करने में भी ईजी है। घबराने की बात नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा हफ्ते में 1 बार भी पॉटी करे तो नॉर्मल है और दिन में 8 बार भी करे या 12 बार करे तो नॉर्मल है। तो आज का जो वीडियो है यही तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोग तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्यू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है धन्यवाद। चलिए बाय फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो जो है बहुत ही पसंद आ रहा है, अंत तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ वीडियोस फ्लैश हो रहे हैं जिसमें आपके पास आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज के लिए और नई मदर्स के लिए, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बाय।